हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं फ़ाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं फ़ाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं कितने टाइप्स के फ़ाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं कौन से कनेक्टर यूज होते हैं इसमें और क्या इसका यूज है फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्यों यूज़ करते हैं हम नेटवर्क में सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाई वन तो दोस्तों वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें अगर चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल या इसको नाम से जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से भी इसको जानते हैं इट इज़ यूज एज अ बैकबोन फॉर द नेटवर्क ड्यू टू हायर डेटा रेट ट्रांसफर लाइटर वेट लो इंटरफेरेंस लेस नंबर ऑफ रिपीटर रिक्वायर्ड सिग्नल ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस एक्सेट्रा के लिए इसको यूज किया जाता है दिस केबल कंजिस्ट कोर क्लैडिंग बफर एंड जैकेट कोर इज व्रैप्ड इन द क्लैडिंग क्लैडिंग इज व्रैप्ड इन द बफर एंड बफर इज़ वैप्ड इन द जैकेट यानी कोर कवर होता है हमारा क्लैडिंग से क्लैडिंग कवर होती है बफर से और बफर जो रेप्ड होगा हमारा वो जैकेट से होगा जो कोर हो इज कोर इज़ मेड फ्रॉम थिन स्टैंड फोफा ग्लास और प्लास्टिक दैट कैन कैरी डेटा और लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारी कोर होती है वो मेड होती है थिन ग्लास या प्लास्टिक से जिस जो कैरी करती है डेटा ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए आप फाइबर ऑप्टिक्स केबल की इसमें सबसे पहले आता होता है आपका ग्लास कोर उसके बाद आप, ग्लास कोर आपका कवर होता है क्लैडिंग से क्लैडिंग कवर होती है हमारी बफर से जो प्लास्टिक से बना होता है और जो अब बफर हमारा कवर होगा वो आउटर जैकेट से होगा मैं आपको ऑप्टिक्स फाइबर केबल भी दिखाऊँगा कि आपकी ऑप्टिक्स फाइबर केबल कैसी होती है कोर कैरीज़ द डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो कोर होती है हमारी कैरी करती है डेटा सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ लाइट बट जो क्या होता है ट्विस्टेड पेयर केबल में और जो आपका कोएक्सल केबल में क्या होता है वो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में होता है यहाँ पे क्या होता है आपका डेटा ट्रांसमिशन लाइट के रूप में होता है क्लैडिंग रिफ्लेक्ट लाइट बैक द कोर क्या होती है कभी कभी कुछ आपकी जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट करती है जो क्लैडिंग्स को कवर होती है कोर को और रिफ्लेक्ट करती है लाइट को बैक आपके और ट्रांसमिशन के लिए उसको आगे फॉरवर्ड करती है बफर प्रोटेक्ट करती है लाइट को फॉर लीकिंग बफर हमारा प्रोटेक्ट करता है क्लैडिंग को ताकि जो लाइट है वो हमारी लीकिंग ना हो यानी लीक ना हो बाहर ना जाए और जैकेट जो होता है हमारा प्रोटेक्ट करता है केबल को फॉर फिजिकल डैमेज से अब देखिए आपको दिख रहा होगा फाइबर ऑप्टिक्स केबल है तो इस टाइप की आपकी केबल होती है ये आपका ग्लास का कोर होता है इसके ऊपर आपकी ये जैकेट होती है जिसकी आपकी क्लैडिंग होती है इसके आपका बाद ये सीत होता है फिर ये आउटर जैकेट होती है तो दिस केबल कैन ट्रांसमिट डेटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एट अ हाइएस्ट स्पीड इट कैन ट्रांसमिट डेटा अप टू फोर्टी किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ हंड्रेड जी यानी जो डेटा ये ट्रांसमिशन इसकी जो मैक्मम स्ट्रेंथ है वो फोर्टी किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है और जो स्पीड होगी इसमें जो ट्रैवल करेगी वो आपकी हंड्रेड जी तक पी स्पीड को आप ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं एडवांटेज क्या है हमारी फ़ाइबर ऑप्टिक्स केबल की फ़ाइबर ऑप्टिक्स सपोर्ट हायर कैपेसिटी यानी जो फाइबर केबल्स है वो हमारा टेन जी सपोर्ट करता है फोर्टी जी सपोर्ट करता है और हंड्रेड जी के स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है नीड क्या है नीड फॉर सिग्नल बूस्टर्ज लैस कि हमें को एक्सल केबल ट्विस्टर केबल की तरह बार बार रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको मतलब बूस्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है डेटा ट्रांसमिट करने की 40 किलोमीटर तक ये आपका डेटा ट्रांसमिट कर सकता है इजली और हायर स्पीड पर इसमें लेस इंटरफेरेंस होता है और लेस नॉइज़ होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल और आपका कोएक्सल केबल के ट्रांसमिट सिग्नल ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंस यानी जो आपका डेटा ट्रांसमीटर होगा वो आपका ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक ये ट्रांसफ़र कर सकता है और जो मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई थी फोर्टी किलोमीटर्स तक ये डेटा ट्रैवल कर सकता है विदाउट एटोनेशन के टेन बेस एफ़ रेफर टू स्पेसिफिकन फॉर द फाइबर के दिस केबल कैरी थर् सिग्नल टेन बेस एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको स्पेसिफिकेशन है आपका ऑप्टिक्स फाइबर केबल का अब जो ऑप्टिक्स फाइबर केबल हमारी दो टाइप की होती है एक होती है हमारी सिंगल मोड ऑप्टिक्स फाइबर केबल दूसरी होती है हमारी मल्टी मोड ऑप्टिक्स फाइबर केबल सिंगल मोड फाइबर केबल और मल्टी मोड फाइबर केबल मल्टी मोड फाइबर केबल में क्या होता है हमारा जो डायमीटर होता है लार्जर होता है एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर केबल सिंगल मोड में बट क्या होता है वो आपका मोर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया होता है बट ये मोर एक्सपेंसिव होता है अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको वन बाई वन सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल और मल्टी मोड फाइबर केबल सिंगल मोड फाइबर केबल दिस केबल कैरीज ओनली सिंगल बीम ऑफ लाइट ये सिंपल एक आपके सिंगल बीम कैरी करता है लाइट की यानी जिसमें आपका डायमीटर होता काफ़ी कम होता है और सिंगल लाइट ही इसमें ट्रेवल करती है दिस इज़ मोर रिलायबल एंड सपोर्ट ये काफ़ी रिलायबल है और सपोर्टेड है मच हायर बैंडविड्थ एंड लॉन्गर डिस्टेंस देन मल्टी मोड फाइबर केबल यानी ये हमारा बेस्मिक हायर बैंड विथ ट्रेवल कर सकती है और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए इसको यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू मल्टी मोड फाइबर केबल से दिस केबल यूज एज अ लेजर एज अ लाइट सोर्स ट्रांसमिट थर्टीन हंड्रेड या फिफ्टीन फिफ्टी नैनोमीटर वेब लेंथ ऑफ लाइट इसका जो सोर्स होता है सिंगल मोड फाइबर केबल में वो होता है लेजर और जो इसकी वेव जो ट्रांसमिट की होती है वो तेरह से पंद्रह सौ पचास निनोमीटर वेव की हमारी जिसमें लाइट सोर्स की वेवलेंथ लाइन ट्रेवल करती है अब बता देता हूँ मल्टी मोड फाइबर केबल के बारे में दिस केबल कैरीज मल्टी बीम ऑफ लाइट ये जो केबल होती है हमारी मल्टी मोड फाइबर केबल इसमें जो बीम होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है यानी सिंगल मोड में सिर्फ सिंगल हमारी फ़ाइबर केबल यानी सिंगल लाइट सोर्स रहेगा और मल्टीपल में आपका मल्टीपल बीम होगी लाइट की दिस केबल कैरी मच मोर डेटा देन द सिंगल मोड फाइबर केबल जो हमारा मल्टी मोड के फाइबर केबल है इसमें क्या होता है ये आपका जो डेटा होता है आपका ये काफ़ी ज़्यादा कैरी करता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर केबल में दिस केबल यूज़ फॉर शॉर्टर डिस्टेंस हमारा सिंगल मोड यूज किस लिए किया जाता था लॉन्गर डिस्टेंस के लिए और मल्टी मोड यूज किया जाता है हमारा शॉर्टर डिस्टेंस के लिए केबल यूज है जहाँ एल ई डी लाइट सोर्स वहाँ पर क्या था लेजर था लाइट सोर्स यहाँ पर हमारा एल ई डी होता है लाइट सोर्स हमारा और जो वेव लेंथ होती है ट्रांसमिट की वो होती है आठ सौ पचास से तेरह सौ नैनोमीटर वेव लेंथ हमारी लाइट की होती है कॉमन एवरीडे नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक्स केबल कॉन्फ़िगर इंक्लूड टू कोर ऑप्शन एट कोर वेराइटी एंड इवन ट्वेंटी फोर कोर फाइबर ऑप्टिक्स केबल अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ सिंगल मोड फाइबर केबल जो होती है इस टाइप की होती है इसमें आपकी एक ही सिंगल बीम होगी और उसके ऊपर क्लेडिंग होगा फिर आपका सीट होगा फिर आपका जैकेट होगा और मल्टी मोड में क्या होगा आपकी बहुत सारी आपकी लाइट ऑफ बीम होगी यानी जो डायमीटर होगा आपका काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल मोड फाइबर केबल में तो इसीलिए हमारा सिंगल मोड फाइबर केबल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है और हमारा मल्टी मोड हमारा यूज किया जाता है हायर डेटा के लिए कुछ कॉमन टाइप कनेक्टर यूज किए जाते हैं ऑप्टिक्स फाइबर केबल के लिए वो मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं देखिए बायोनिक कनेक्टर स्टैंडर्ड कनेक्टर एस सी एल सी एक्स टी आप देख सकते हैं काफ़ी टाइप के कनेक्टर यूज होते हैं इसमें प्लास्टिक फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टर एल एल एक्स फ़ाइव कनेक्टर वायुलेसन कनेक्टर एम टी आर जे कनेक्टर एम यू कनेक्टर एम टी कनेक्टर एक डिफरेंट टाइप के कनेक्टर यूज़ किए जाते हैं हमारे ऑप्टिक्स फाइबर केबल को बनाने में